के अंदर कारोबार करने का एक बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो जो हम आगे देखेंगे भी, और मैं आपको आपने जो क्वेश्चन किया इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं। हम सिर्फ और सिर्फ टू प्रोडक्ट्स में जाते हैं जिसमें लेट्स से गिफ्ट करना भी पड़े तो 10 प्रोडक्ट्स या 15 प्रोडक्ट्स आपको गिफ्ट करना पड़े, और मेजरली आप डिपेंड करें किस चीज पे, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे। गिव अवेज फॉर लोग करते हैं जिनको अपनी प्रोडक्ट पर थोड़ा सा शक शुबा होता है कि यार कहीं इसके रिटर्न ना आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आ जाए, और वो बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज आ जाते हैं जिसके अगेंस्ट आपके पास कुछ नेगेटिव रिव्यूज आ भी जाए तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक हमारे दोस्त के क्लाइंट है उनका 1.5 करोड़ हमारे फ्रेंड ने सिर्फ गिव अवे कर दिया था, अब वहां पे उनका लॉन्च था 10 करोड़, तो ही डिडंट केयर, लेकिन वो बड़े लॉन्च से डेफिनेटली वहां तक भी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात है, और कोई पता नहीं है कौन सा बंदा कहां से चल रहा है कहां तक चले जाए। अब इसका कॉम्पिटिशन चलता है पीपीसी के साथ, आप Amazon पीपीसी और गिव अवेज दोनों की आपस में डिस्कशन में हमेशा लड़ाई से चलती है कि भाई गिव अवेज दे या पीपीसी चला। अब गिव अवेज में तो टोटल आपने पैसे जो है ना प्रोडक्ट गिफ्ट में दिए तो वो आपके पैसे माइनस में चलेंगे, फिर उसके बाद आपने कुछ टारगेट रखे होते हैं कि भाई मैंने 400 प्रोडक्ट गिफ्ट करनी है, फिर मैं फर्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो आपके कॉम्पिटिटर है उसने भी कुछ प्रोडक्ट्स गिफ्ट किए होते हैं या उसका रैंकिंग नंबर ऐसा होता है जिसको कैच करने के लिए रिव्यू नंबर को आपको क्रॉस करना होता है विद इन 7 डेज। जैसे आपको 400 रिव्यूज चाहिए विद इन 7 डेज तो आप इस प्रोडक्ट से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आप उस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेचने वाले अकेले बंदे थोड़ी हैं, आपके साथ हजारों कॉम्पिटिटर्स और बैठे हैं और वो भी यही प्लान कर रहे हैं, आप ही यही प्लान करके 400 की वो भी 400 आप तकरीबन 50-60 लोग ऐसे 400 गिफ्ट दे देते हैं, फिर भी आपको अपना टारगेट नहीं मिल सकता क्योंकि शायद वो आपसे पहले गिव अवेज दे दे फिर आप नीचे आ जाते हैं, ये पैसा वेस्ट नहीं होता। पीपीसी में क्या होता है, पीपीसी में क्या होता है, अनकंडीशनली आपकी प्रोडक्ट पहले दिन, चाहे आपके 10,000 कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट पहले दिन टॉप पे शो होने शुरू हो गए। और पीपीसी में कॉम्पिटिशन करना आसान है एज कम्पेयर टू, अब लेट्स से पीपीसी में आपको नुकसान होता है तो वो कितना होगा, लेट्स से आपने बजट रखा कि $2,000 आपने पीपीसी को दिया और उसके अगेंस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2000 एक प्रोडक्ट सेल हो, एक प्रोडक्ट को सेल करने के पीछे $1 आपने एडवर्टाइजमेंट बजट रखा, लेकिन $2,000 लगाने के बाद आपके प्रोडक्ट्स कितनी बिकी 1000, तो आपका सिर्फ क्या होगा सेलिंग के ऊपर, प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट बजट $1 से $2 हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट बिकी तो सही, कुछ प्रोडक्ट प्रॉफिट दिया तो सही उसने, तो इस तरह आपको ये एक लॉस नहीं, बस आपका एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा।